हेलो दोस्तों दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज। दोस्तों ये मेनोपॉज क्या होता है और यह कब स्टार्ट होता है, ये सब आप इस वीडियो में जानकारी पाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें और वीडियो को पूरी तरह से समझें। दोस्तों बहुत ही इंफॉर्मेटिव यह वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। और यह जो मेनोपॉज होता है या रजोनिवृत्त होती है दोस्तों, यह अटल सत्य है। यह कभी ऐसा नहीं कि यह किसी भी महिला को न हो, यह होना ही होना है। यदि महिला रूप में महिला यौनि में आपका जन्म हुआ है तो यह मेनोपॉज कंडीशन आनी ही आनी है दोस्तों, चाहे वह मेल हो या फीमेल। लेकिन ये सबके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अपने तक ही न रखें इसको और सर्कुलेट करें, ताकि यह इंफॉर्मेशनल जो इंफॉर्मेशन है वह सर्कुलेट हुए और काफी लोगों में इसका इस नॉलेज का वितरण हो सके और अवेयरनेस बढ़ सके दोस्तों। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो पे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें दोस्तों। दोस्तों ये जो मेनोपॉज होता है, ये मेनोपॉज क्या होता है दोस्तों? मेनोपॉज एक ऐसी कंडीशन होती है जो महिलाओं में पाई जाती है, जब महिलाओं के अंदर कुछ एक ऐसा समय आता है जब उनका मासिक धर्म रुक जाता है, यानी या फिर उनका मासिक धर्म रुक जाए या फिर उसमें बहुत अनियमितता देखी जाए, तो ऐसे कंडीशन को ही मेनोपॉज बोलते हैं, या फिर आप रजोनिवृत्त बोल सकते हैं। हिंदी में रजोनिवृत्त बोलते हैं और अंग्रेजी में मेनोपॉज बोलते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो है काफी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं महिलाओं के अंदर, जो हम वीडियो में आगे वन बाय वन आपके साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों इसमें सबसे पहले जो कंडीशंस होती हैं या जो सबसे पहले सिम्टम्स नजर आता है महिलाओं को, वह उनकी जो मासिक धर्म है वो उसके अंदर अनियमितता हो जाती है और जो ब्लीडिंग होती है वह कम और ज्यादा होने लगती है। इससे जो है जो अनियमितता क्या होती है दोस्तों, वह जैसे पर मंथ एक निश्चित समय पे जो आती है वह उसके समय में बढ़ावा हो जाता है, वह 2 महीने के बाद भी आ सकती है, 3 महीने के बाद भी आ सकती है, वह अनियमित हो जाती है। दूसरा जब आती है तो जो ब्लीडिंग है वह ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ऐसे केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा दोस्तों यह एक एज होती है, उस एज में होता है, वह एज क्या होती है, वह एज जो है 45 से 55 ईयर की जब महिला हो जाती है तब यह सिम्टम्स नजर आने चालू हो जाता है। दैट मीन्स कि 45 से 55 साल की जब एज हो जाती है महिलाओं की, तो यह सिम्टम्स नजर आना स्टार्ट हो जाता है, यानी मेनोपॉज जो है स्टार्ट होने लगता है उन महिलाओं के अंदर, और यह अटल सत्य है दोस्तों, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा उनके जो बॉडी है वह गर्म चर्म होने लगता है। गर्म चर्म क्या होता है दोस्तों, वह गर्म चर्म जो आपके चमड़े हैं या जो आपके आउटर स्किन है वह गर्म हीट होने लगती है, जिससे लाल लाल आपको गले के आसपास में रेडनेस होने लगता है और वह काफी हीट होने लगता है, जिससे आपके बॉडी के अंदर असहज सा महसूस होने लगता है और आपको फफोले भी पड़ सकते हैं ऐसे में। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, संयम और आपको एक संयम बरतने की जरूरत है, जिससे आप इस परेशानी से दूर हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको रात में जो नींद समय समय पे आपको नींद रुक सकती है, या जो नींद है आप एक गहरी नींद में नहीं सो सकते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको समय थोड़ी थोड़ी समय पे आपकी नींद टूटती है, जिससे आपको नींद अच्छी नींद नहीं आती है, आपको सोने में व्यवधान होने लगता है, तो यह भी एक सिम्टम्स होता है मेनोपॉज का। दूसरा दोस्तों आपको रात में ज्यादा पसीना होता है, जो स्वेटिंग होती है वह हाई स्वेटिंग होने लगती है, जिससे आपके नींद में भी प्रवधान करने लगता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो बाल है वह पतला होने लगता है, टूटने लगता है, गिरने लगता है, यह भी एक मेजर सिम्टम्स होता है इसके मेनोपॉज का। इसके अलावा दोस्तों आपके बॉडी के अंदर क्या हो, आपके बॉडी के अंदर जो है चिड़चिड़ापन होने लगता है, आपको हर एक बात को चिड़चिड़ाहट होने लगती है और आपका जो मिजाज है वह खुश नहीं रहता है, जो आपका हैप्पी हार्मोन्स होता है वह सेक्रेशन स्लो होने लगता है, ये भी काफी बड़ा सिम्टम्स होता है मेनोपॉज का। तो ये सारे सिम्टम्स दोस्तों जरूर लिख लो और इसको आप लोग, ऐसी कंडीशन आती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो बॉडी के अंदर क्या होता है, ओबेसिटी यानी मोटापा होने लगता है, ऐसे कंडीशन में ओबेसिटी होने लगती है, मोटापा होने लगती है, बॉडी में स्वेलन आने लगती है, ओवरवेट होने लगती है जब मेनोपॉज स्टार्ट होता है।
तो ये समझ लेना चाहिए कि हमें मेनोपॉज स्टार्ट हो गया है और ऐसे कंडीशन में संयम से काम लेने की जरूरत होती है और मेडिकल का दवा लेने की जरूरत नहीं है। मेडिकल से आप बिल्कुल दवा न लें, मेडिकल की दवा से बचें दोस्तों, नहीं तो ऐसे में आपको जो साइड इफेक्ट होता है वह ज्यादा आपके बॉडी को इम्पैक्ट करता है, खतरा या नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों ये तो आपको सिम्टम्स बताया, जो मेनोपॉज के अंतर्गत ये सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, लेकिन ऐसे सिम्टम्स जब दिखाई दें, आपको ऐसा आभास होने लगे, तो जरूर आप अपने आप को संयम बरतें और कुछ आयुर्वेद का आप ग्रहण करें या कुछ आयुर्वेद लेने की जरूरत। ऐसा सिम्टम्स आपको नजर आता है तो आप अपने जो फैमिली डॉक्टर है उससे ट्रीटमेंट करा सकते हैं, 10 से 15 दिन, ज्यादा समय तक नहीं, क्योंकि यह सिम्टम्स दोस्तों अटल सत्य है, ये आना ही आना है हर वो उस महिला को जो इस धरा पे जन्म लिया है, तो उसको यह होना ही होना है। तो आपको इससे इस सत्य से जो है घबराने की जरूरत नहीं है, यह समय है जो 45 to 55 है, इसको बढ़ा भी सकते हैं यदि आप समय से पहले, आपको जानकारी है तो अपने खान पान में चेंजिंग करके इस समय को आप आगे भी कर सकते हैं, और जो कुछ सिम्टम्स हैं जो भारी वाले सिम्टम्स है उस सिम्टम्स को कम कर सकते हैं और आप बहुत सारी डिजीज से निजात पा सकते हैं, ओबेसिटी से भी निजात पा सकते हैं, हेयर फॉल से निजात पा सकते हैं, दोस्तों आप अनिद्रा होती है उससे भी निजात पा सकते हैं। तो हमने दोस्तों कुछ आयुर्वेद भी आपके लिए लेके आए हैं जो आयुर्वेद आपको इस सिम्टम्स को कम करेगा और मेनोपॉज के समय को बढ़ा देगा। तो आप लोग जरूर इस आगे वाले कड़ी को ध्यान से और बहुत ही गहराई से वीडियो को देखना दोस्तों, और इसको शेयर करना ना भूलना, लाइक तो जरूर करना दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हैं तो मन अच्छा होता है। दोस्तों इसमें सबसे पहला जो आयुर्वेद है वह है सोया सीड। इस सोया सीड आप लोग तो सोयाबीन की बड़ी जो होती है वो तो खाते ही है, लेकिन सोया सीड जो होती है वह काफी आपके लिए बहुत ही कारगारी होती है। इसके अंदर फ्लेवॉन्स होता है जो फ्लेवॉन्स आपको काफी हेल्प करता है मेनोपॉज को, कुछ ही उसके लक्षण को कम करने में आपकी मदद कर सकता है यह सोया सीड। सोया सीड का आप क्या मिल्क भी बना के पी सकते हैं, इसके अलावा उसको भिगो कर खा सकते हैं, और इसका आटा भी बना के, उसकी रोटी भी बना के खा सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको काफी यह फायदा करेगा, तो आप जरूर इसका सेवन करें, तो आप जरूर इसका उपयोग कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों फ्लैक्स सीड जो है काफी कारगारी होती है। यह जो है आप क्या कर सकते हैं, 1 या 2 चम्मच फ्लैक्स सीड को लीजिए और उसको चाहे तो आप वैसे ही उसको दांतों से पीस कर खा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो फ्लैक्स सीड का लड्डू भी बना के डेली 1 लड्डू उसका खाते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर कई सारे सिम्टम्स या फिर जो चिड़चिड़ापन होता है उसको कम करता है। इसके अलावा आपके बॉडी के अंदर एक अंदर से ताकत देता है, इसके अंदर कई सारे फाइबर्स होते हैं, बहुत फाइबर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है, पावरफुल आयुर्वेद होती है दोस्तों ये जो फ्लैक्स सीड है। इसके अंदर कई विटामिन होती हैं और विटामिन ए भी पाया जाता है जिससे आपके आंखों की भी रोशनी बढ़ती है, और इसमें विटामिन सी भी होती है और कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप विटामिन ई का सेवन जरूर करें, क्योंकि विटामिन ई का यदि सेवन करते हैं तो जो आपके बॉडी के अंदर कई सारे सिम्टम्स नजर आते हैं, हड्डियों का कमजोर होना या फिर आपके बॉडी में बदन में दर्द होना, पेन होना, ये सब कम होने लगता है। ऐसे में आपको वो फ्रूट्स लेना चाहिए जिसमें विटामिन ई की प्रचुर मात्रा में पाई जाए। इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है विटामिन ई का, आप मेरे चैनल पे जाके विटामिन ई की वीडियो देख सकते हैं कैसे नेचुरली हम विटामिन ई का कंजप्शन या सोर्स कर सकते हैं। जो और मैंने उनके लिए भी बताया दोस्तों जो वेजिटेरियन है वह कहाँ से नेचुरल सोर्स विटामिन ई का कर सकते हैं, वह उनके लिए भी मैंने वीडियो में बता रखा है, तो आप वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो है एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज, कम से कम 20 से 25 मिनट अपने बॉडी को एक्सरसाइज करें, 5 मिनट योगा करें, जिससे आपको बहुत ही आपके बॉडी में रिलीफ मिलेगा और आपका जो मेनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं वो कम होने लगेंगे और आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप जो है एक होती है हर्बल टी जिसको बोलते हैं कैमोमाइल की चाय। कैमोमाइल टी जो होती है दोस्तों यह काफी अच्छी होती है, यदि आप कैमोमाइल की टी पीते हैं तो यह आपको ओबेसिटी से बचाती है, आपके ब्लड को यह पतला करती है, आपके जो ब्लड है उसको साफ भी करती है, हार्ट अटैक होने से बचाती है, आपको नींद अच्छी आती है यदि आप इस कैमोमाइल टी का सेवन करते हैं। तो आप जरूर इन सब आयुर्वेद या इन सब घरेलू नुस्खों का, होम रेमेडीज का उपयोग करके आप मेनोपॉज में अपने आप को
सही कर सकते हैं, बचा सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको यदि इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करें। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको दोस्तों समय से तुरंत मिले और उसका लाभ आप उठा सकें। इस वीडियो में इस चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद और हेल्थ की बातें करता रहता हूँ और उसी की बातें इस पे होती रहेगी, तो आप लोग जरूर मुझसे जुड़े। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। बाय बाय।